फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का V29e मॉडल। और देख सकते हैं आप फोन की कंडीशन क्या है, पूरी तरह से फोन बेंड हो चुका है क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन है और इसका डिस्प्ले टूटा हुआ है, कॉम्बो वगैरह, बीच का फ्रेम भी डैमेज हो चुका है और पैनल तो पूरी तरीके से टूट ही चुका है। तो अभी हम इसका तीनों चीज चेंज करने वाले हैं और फिंगरप्रिंट 100% कैसे वर्क करेगा ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आपका फिंगरप्रिंट बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका मिडिल फ्रेम मंगा लिया जिसके अंदर कॉम्बो फिट होगा, सारा बॉडी वगैरह सारा सामान फिट होगा, एक तरह से इसका हड्डी मान लीजिए। और ये रहा हमारा बैक पैनल जो कि इसका पीछे का डैमेज हो चुका है, बाकी बीच का सारा पार्ट इसका ओके है, तभी फोन चालू है। और ये हमारा मेन कॉम्बो डिस्प्ले जो कि इसका डैमेज हो चुका है। एक्चुअली कर्व डिस्प्ले में नीचे एक तरह का प्लास्टिक लगा हुआ आता है, ये एक्चुअली इसका जो नीचे का पत्ता होता है उसको सेफ रखने के लिए, फिंगरप्रिंट वगैरह सेफ रखने के लिए ये पत्ता आता है ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इसको यहाँ पे प्लास्टिक का ही लगाया जाता है। अभी के जितने भी मतलब ऑलरेडी कॉम्बो आ रहे हैं सब में ये लगा रहता है। तो अभी हमें करना क्या है, इस फोन को पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद से हम इसको कैसे फिट करना है सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉम्बो वगैरह फिटिंग करते हैं, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में तो सबसे ज़्यादा काम कॉम्बो का ही आता है और कॉम्बो का ही सारे लोग काम करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी तक कर्व डिस्प्ले का फोन नहीं आया होगा फिटिंग करने के लिए, या फिर कई लोग हो सकता है काम किए होंगे, तो जिन लोग काम किए उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा वीडियो, और जो लोग नहीं किए उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोनों के लिए कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले ओपन क्लोज ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, हर फोन का अपना एक अलग तरीका होता है उसको खोलने का, तो ये सारी चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको आसानी से खोल सकते हैं अपने हिसाब से। और हर फोन को खोलना एक इतना बड़ा टास्क नहीं है, थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बट जो पहले से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं उन्हें हर चीज़ पता है कि कौन सा फ़ोन कैसे खुलेगा और किस फ़ोन को कहाँ से खोलने का तरीका होता है, सब कुछ उतना आइडिया तो लग ही जाता है। तो मेनली हमारा नए भाई लोगों के लिए ये सबसे बड़ा डाउट होता है, नए फ़ोन आते हैं, महंगे फ़ोन आते हैं, तो खोलने में ही पहले डरते हैं कि कोई कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि अगर आप मिस्टेक से डरते हो तो फिर आप काम कर ही नहीं पाओगे। आपको सेफली और अच्छे से काम करना है, अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च कर लो एक बार उसका कैसे अनबॉक्सिंग हुआ है या फिर उसको कैसे डीअसेंबल किया गया, ज़्यादातर फ़ोनों की वीडियो आपको मिल जाती है। तो अभी आपको फोन पूरा ओपन करना है, चूंकि इसका हम फ्रेम ही चेंज कर रहे हैं तो ऐसे में हमें दिक्कत जाएगी, पूरा फोन का एक एक सामान को हमें निकाल के दूसरे बॉडी में फिट करना है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, और अगर आप अच्छे से फिट करते हो तो और ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारे चीजों को ग्लू से लगा के प्रॉपर जैसे इसमें चिपका हुआ रहता है वैसे हमको इसमें चिपकाना पड़ता है, तो इसमें टाइम जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को चेक कर लेंगे ताकि डिस्प्ले ओके है, सब कुछ कंडीशन सही है, फिर हम इसको फिटिंग का तैयारी करेंगे। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप चाहे कोई भी कॉम्बो फिट करते हो, अब अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हुआ, मतलब कहीं बाई चांस उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय थोड़ा बहुत भी 19-20 का फर्क हो गया, या फिर ये हो सकता है कि अंदर कोई भी डस्ट पार्ट चला गया इसके लेंस के अंदर, तो वैसे में आपका डिस्प्ले लगाते समय चिपकाते समय कई सारे फ़ोनों में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि उसमें लाइन आ जाता है या फिर अचानक से डिस्प्ले झिलमिलाने लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कई बार हो ही जाता है, चाहे आप किसी भी कंपनी का कॉम्बो लगा लो। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि ये कॉम्बो अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता है, हर कॉम्बो की अपनी क्वालिटी अच्छी होती है, बस लगाने वाले का फर्क, लगाने वाले का भी नहीं होता है, कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आ जाता है, तो हर कंपनी को किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को कोई अच्छा लगता है, तो ऐसे कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि रहा बात की फिंगरप्रिंट वर्किंग का, ये सब ऑलरेडी में, तो पहले के ज़माने में ऐसे आते थे, पहले के टाइम में बहुत मतलब ऐसे 6 महीना या फिर साल भर पहले जब कॉम्बो का फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम देता था, बट अभी के जो कॉम्बो आ रहे हैं लगभग अगर देखा जाए तो 100% अगर ओरिजिनल कॉम्बो में फिंगरप्रिंट वर्क करता है तो अगर मैं कहूँ 95 इसमें काम करेगा तो एक गलत नहीं होगा, 95 बहुत अच्छी चीज़ है, कभी कभार लैग कर सकता है और कभी कभार तो ओरिजिनल भी लैग करता ही है, तो 95 मान के चलिए। और ये जो हमने लगाया है ये भी 100% लगभग काम कर ही रहा है, मतलब 99 मान लीजिए इसको जो मैंने फिट किया है। अब मेनली होता है कई लोग बोलते हैं फिटिंग में कहीं दिक्कत आ जाए इसलिए काम नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिटिंग में दिक्कत क्या आ जाएगा, आपका उबड़ खाबड़ थोड़ी लगा दोगे कॉम्बो, सब कुछ एकदम परफेक्टली कोई बैठाता है अच्छे से साफ करके, तो इसमें कोई वो नहीं है कि फिटिंग अच्छा नहीं बैठेगा कि ऐसा होगा, तो ये सब डाउट रखना ही नहीं है। तो अभी क्या करना है, सारा फ़ोन का एक एक पार्ट को आपको बाहर निकालना है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो फ़ोन को, क्योंकि ये तो आईफोन है नहीं, क्योंकि आईफोन में हर एक पार्ट हर एक नट का साइज अलग होता है, तो इसलिए आईफोन जो लोग ओपन नहीं किए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर कोई उनको खोल कर दे दे आईफोन, या फिर वो खुद ही खोल के पूरा डीअसेंबल करके फिर उनको दे दिया जाए फिट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, लगभग उनका सारा पार्ट एक जगह होता है और आप आसानी से एंड्रॉयड फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो ये आईफोन के तुलना में, चाहे वो कितना भी मतलब महंगा हो एंड्रॉयड का फ़ोन। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स को हम एक एक चीज़ को बाहर निकाल के और उसको दूसरे फ्रेम में फिट करेंगे,
और फिट करने के बाद से सेम प्रोसेस है जैसे आप कॉम्बो लगा रहे हो। एक चीज़ हम आपको बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि नॉर्मल जो कॉम्बो आता है TFT उसको हम क्या करते हैं कि पूरा दबा के ऊपर से और बबल रैपर के ऊपर रख के कॉम्बो को ऊपर ऐसे मार के भी चेक करते हैं ताकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफॉल्ट हो तो अंदर से लेंस वगैरह में लाइन आना हो तो अभी आ जाए, बाद में ना आए। लेकिन ये कर्व डिस्प्ले है तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हल्का फुल्का दबाव आके लेंस के पास देख लेना है कि कोई डैमेजिंग तो नहीं है ताकि आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम ना दिखे कि आपका फ़ोन का कोई प्रॉब्लम आ गया डिस्प्ले में, और थोड़ा बहुत टेस्टिंग करके और उसके बाद से अच्छे से फिट करिए। और मैं आपसे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप कॉम्बो फिट कर रहे हो तो जो कॉम्बो ऐसा है कि मतलब आप ग्लू कॉम्बो को फिट करके भी बाद में भी लगा सकते हो तो उनको आप कभी भी बाद में ही लगाओ। अब जैसे ये फ़ोन है तो इसका हम डिस्प्ले का ग्लू बाद में नहीं लगा सकते क्योंकि ये कर्व भी है, और दूसरा चीज़ की इसका पत्ता बिल्कुल सटा हुआ है तो इसमें गेप ही नहीं बचेगा, तो इसको हमें पहले से ग्लू लगा के फिट करना पड़ेगा। लेकिन जिन फ़ोनों में, ज़्यादातर फ़ोनों में ऐसा ही होता है कि आप बाद में भी ग्लू लगा सकते हैं, तो हम वैसा ही करेंगे। एक्चुअली बाद में ग्लू लगाने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। कई बार क्या होता है कि हम ग्लू लगाते हैं और फिटिंग करने के बाद से ज़्यादातर कई बार केस में ऐसा होता है कि कॉम्बो में कोई दिक्कत आ जाता है या फिर टच काम करना बंद कर दिया या फिर झील मिलाने लगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ग्लू नहीं लगाए रहोगे, पूरा फिट करने के बाद लास्ट में ग्लू लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो नीचे पत्ते होते हैं जैसे इस फ़ोन का पत्ता है, तो ऐसे फ़ोनों में तो आपको ग्लू लगाना ही नहीं है, थोड़ी देर रबर लगा के रख देना है, एक घंटे बाद ग्लू लगाओ, पूरा फिट कर दो, सब कुछ करके रख दो, एक घंटे बाद ग्लू लगा के कस्टमर को दे दो। ऐसे में आपका मतलब एक तरह से मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आज तक मैंने जब भी ये प्रोसीजर फॉलो किया है मेरा कभी भी मतलब समझिए कि 99% हमने अपना रिस्क कम कर लिया है, जो जो मैंने तरीका आपको बताया कॉम्बो लगाते समय। तो चलिए ये तो रहा बाकी फ़ोनों की बात, अभी हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो फटाफट से इस फ़ोन के सारे बटन्स वगैरह सारी चीज़ों को फिट करेंगे इसके अंदर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि वीडियो में काम कुछ और चल रहा है, मैं आपको टॉपिक कुछ और बता रहा हूँ, बट आप लोगों को देखते रहना है और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप किसी हमारी बात से एग्री नहीं कर सकते हैं, मतलब एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए भी बता सकते हैं कि इस बात से हम आपके एग्री नहीं करते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों एग्री नहीं होते हैं आप, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कहने का मतलब। तो अभी हमारा जो फ़ोन है लगभग फिटिंग हो चुका है, सारे छोटे छोटे पार्ट हमने अंदर डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम इसे अंदर अपना बोर्ड फिट करेंगे और कॉम्बो के लिए बहुत ही हल्का ग्लू यूज करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ग्लू लगाने के बाद आपको फ़ोन को थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका फ़ोन का जो ग्लू है हल्का थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो आपके फ़ोन के जो लेंस होते हैं या फिर जो गैप होता है उसके अंदर ज़्यादा घुसेगा नहीं, तो आपका एक तरह से कॉम्बो एक तरह से वहाँ से भी आपका सेफ हो जाएगा। और चूंकि ये कर्व डिस्प्ले है तो इसका ग्लू आपको भी पता है कि एकदम कॉर्नर पे नहीं लगता है, बाकी फ्लैट डिस्प्ले की तरह इसका ग्लू थोड़ा सा अंदर लगता है और डिस्प्ले को ही पूरा चिपकाया जाता है। और बाय मिस्टेकली अगर कभी आपको निकालना पड़े सेफली, तो आपको पता है कि इन फ़ोनों को कॉर्नर से नहीं बल्कि और लगभग देखा जाए तो 1 या 2 सेंटीमीटर अंदर से आपको घुसा के और कोई भी पेपर वगैरह उसी पेपर से आपको कॉम्बो निकालना पड़ता है। ये कॉर्नर पे नहीं चिपकता है, ये बीच में हल्का चिपकता है, मतलब बीच नहीं साइड में कॉर्नर से थोड़ा हटके। तो यहाँ पे हम इसका पूरा फिटिंग करेंगे और उसके बाद से मैं आपको चिपका के भी दिखाऊंगा ग्लू कहाँ लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप ध्यान से देखते जाइए। पहले इसको मैं फटाफट से फिट कर लूँ। और फिटिंग में एक चीज़ और आपको देखना है कि जो जैसा फिट था, जैसा जैसा जो जो पार्ट है, जाली वगैरह जो भी लगी है, वो सारी चीज़ें अगर आप प्रोफेशनली निकाल के इसके अंदर फिट कर रहे हैं तो ये टाइम तो थोड़ा ज़्यादा आपका लगेगा, लेकिन ये प्रोफेशनल काम करने की जब आपको आदत पड़ जाएगी तो एक तरह से आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप सभी लोगों को। क्योंकि अगर आप ये होता है ना, कई लोग आपने देखा होगा टेक्नीशियन कई होते हैं फटाफट करते हैं, 2-4-5 नट नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं, 2-4 नट नहीं लगाने से कोई दिक्कत नहीं, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर कंपनी ने वहाँ नट दिया है तो उसका रीज़न है। कंपनी कईयों हज़ारों में फ़ोन बना रही है तो वो एक नट की भी उनके लिए बहुत अहमियत रखती है, उसे वैसे कितने नट डालने पड़ते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होता तो कंपनी क्यों डालती, तो ये चीज़ को भी समझना है। और आपको हर जगह नट डालना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो अलग से एक पैकेट नट मंगा के रखता हूँ ताकि जो भी फ़ोन में नट ना रहे हमें अपने तरफ से डाल के दो। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसमें प्रोफेशनल बनोगे तो ही आपका काम चलेगा। ऐसा नहीं कि बस कर दिए, पैसा कमा लिए, काम खत्म। पैसा कमाने के साथ जिम्मेवारी भी रखना है ताकि वो पैसा आपके 100% काम आए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी करके दे दिया और फिर आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। तो आप कमाओ तो ऐसे ईमानदारी से कमाओ कि आपका पैसा आपके काम आए। अब देखिए, मैं बताने वाला कुछ और था, लेकिन हमारा जो रीज़न है, हमारा जो टॉपिक है कई जगहों पर जा रहा है,
मेरी बस कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ हर चीज़ के बारे में, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखने को मिलता रहे। बस मेरा यही रीज़न रहता है, और ये मैं आपको फ्री में नहीं करता हूँ, यूट्यूब से हमें इनकम जनरेट होती है इसलिए मैं करता हूँ। ये बात सीधी सीधी है, कोई भी कोई काम फ्री में नहीं करता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई फ्री में हर चीज़ देते रहे, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कुछ भी हो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लू हमने साइड में थोड़ा थोड़ा लगाया, और इसमें पहले से भी ग्लू लगा रहता है, बट वो ग्लू इतना खास नहीं रहता है कि उससे हमारा कॉम्बो इतना सेफली चिपक जाए। कल को हम कॉम्बो में लगे ग्लू के हिसाब से अगर चिपका दिए तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, और कस्टमर भी आके दिखा देगा कि भैया ये क्या लगा के दिए, कॉम्बो उखड़ गया। तो इसलिए हम अपने तरफ से पूरा सिक्योरिटी रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, और अभी अच्छे से प्रॉपर फिट करेंगे और इसको चालू करके रखेंगे ताकि फ़ोन हमारा दिखते रहे कि हाँ जिंदा है, और फिट कर देंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है हमने प्रॉपर सही से बैठा दिया है, और फिंगरप्रिंट 100% वर्किंग करने के पीछे एक रीज़न है। पहला चीज़ तो ये कि इसकी जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट वाली जो जगह होती है उसकी गैप कितनी है, थोड़ा सा एरिया बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और दूसरी होती है क्वालिटी डिस्प्ले की। डिस्प्ले की जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी मायने रखती है कि वह डिस्प्ले कैसा है। अब मान लीजिए कि जो ओरिजिनल डिस्प्ले आता है उसमें क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, और नॉर्मल जो आपने मंगाया उसमें थोड़ा सा उस तरह की क्लियरिटी नहीं है उसके कांच में, तो इसलिए फिंगरप्रिंट प्रॉपर वर्क नहीं करता है, मेन रीज़न यही होता है। और कैलिब्रेशन वगैरह अगर आप डाउट में है कि कैलिब्रेशन करना पड़ता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैलिब्रेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी कारण बस उसमें करप्शन आ जाती है और फिंगरप्रिंट पूरी तरह से ही बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, तब हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो वो चीज़ सॉफ्टवेयर ग्लिच है, उसको हम सही कर लेते हैं, बाकी वो काम बहुत कम पड़ता है। कॉम्बो वगैरह लगाते समय इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल हम इसको पूरी तरह से फिट कर चुके हैं और हमारा फिंगरप्रिंट प्रॉपर वर्क कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फिंगरप्रिंट जब भी आप लगा रहे हो और फिंगरप्रिंट जब कस्टमर को दे रहे हो, तो उनको पहले कभी भी बताया करो कि जो आपने फिंगरप्रिंट पुराना सेट किया उसको हटा के अभी डिलीट करके नया सेट करिए, ताकि आपका प्रॉपर वर्क कर सके, क्योंकि कॉम्बो चेंज हुआ है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपका 100% काम करेगा। और रहा बात फिंगरप्रिंट नहीं काम करने का, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि पहले के कॉम्बो में इस तरह का दिक्कत आती थी, अभी के जितने भी कॉम्बो आ रहे हैं ऑलरेडी वाले उनमें ये मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोग इसके लिए टेंशन फ्री रहें और आप मतलब प्रॉपर काम करके कस्टमर को आप लोग दे सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मेरे द्वारा मतलब बताए गए इस तरह से टॉपिक पे कुछ भी ना कुछ अगर आपको सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। रात रात को आपको जाके एडिटिंग करके वीडियो बना के देना पड़ता है, दिन में तो दुकान का काम संभालो और रात में सब करके आपको देना पड़ता है। तो काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है, और स्ट्रगल करने के पीछे का रीज़न आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसके पीछे भी हमें एक ही रीज़न है कि हमें हमारे जो ऑडियंस है वो हमसे जुड़ते रहें और उनको हम अच्छा से अच्छा कुछ ना कुछ बना के देते रहें, ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके और इन फ्यूचर किसी को जरूरत पड़े तो इस वीडियो से वो हेल्प ले सके। तो इसलिए मैं आपको इतना मेहनत करके वीडियो बना के देना, तो आप लोग बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि बस एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन उसको क्लिक करना है और आपका चैनल जो है वो लाइक कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिटिंग आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया, यहाँ पे जब भी आप कॉम्बो लगा दे रहे हैं कम्प्लीटली, उसके बाद से जब आप रबड़ लगा दे रहे हैं तो प्रॉपर उसको क्लीन करके रखें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि बाद में जब ग्लू सूख जाता है तो क्लीनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है और अंदर से ग्लू एकदम वायर की तरह मतलब निकलने लगता है। तो आप पहले ही जब क्लीन कर दोगे तो आपका जो सॉफ्ट ग्लू रहेगा वो आसानी से बाहर का निकल जाएगा, और बाद में जब आप रबड़ निकाल दोगे तो ऐसे पॉलिश मार के दे सकते हो, ताकि कस्टमर को जब देखने में लगे कि हाँ यहाँ से हम काम कराएं तो हमारा लग ही नहीं रहा कॉम्बो चेंज हुआ है। छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि देखिए काम जब ज़्यादा आता है तो सारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस फटाफट अपना काम करें निकले। तो ये सब चीज़ें हर किसी के पास होती है, बट उसी में थोड़ा टाइम निकाल के अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे आप, तो आपका दुकान कभी भी धीरे धीरे चल के आगे चल के ग्रोथ ही करेगा। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, कस्टमर के साथ इतना बिहेवियर वो सही करके रखना, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे आते हैं जिनके साथ ऐसा मन करता है झगड़ा कर लें, बट ऐसा नहीं करना है। तो बस